अगले साल 2025 में बिहार में होने वाली विधानसभा चुनाव में द प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर बिहार के सियासी मैदान में नजर आई हैं। सबसे पहले 5 साल पहले विधानसभा चुनाव में सीएम पद की दावेदार के रूप में वे सबके सामने आई थी, जिसमें इनकी करारी हार हुई थी। इसके बाद वो बिहार की धरती से गायब हो गई। अब ज्ञान और मोक्ष की धरती गया जी से एक बार फिर लोगों के सामने आई है। पहली बार सामने आने के बाद पुष्पम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी देने के कारण चर्चित हुई थी। अब फिर उसी अंदाज में चर्चित होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि इस बार भी बिहार विधानसभा का चुनाव प्लूरल्स पार्टी लड़ेगी, क्योंकि सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि वो आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। इसी के चलते बिहार उपचुनाव में कोई भी उम्मीदवार किसी भी सीट पर नहीं उतारा। बिहार में चुनाव के वक्त पावर पॉलिटिक्स और तमाशा है। सीएम के पद पर हर एक नागरिकों का अधिकार है। सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। बदलाव लाना पड़ेगा। आज बदलाव लाने की बात हो रही है, इसलिए यात्रा की शुरुआत करी हूँ। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार का कोई पद किसी की भी बपौती नहीं है। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे के सवाल पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि देश में जुमला ही राजनीति चल रहा है। एक से एक जुमले दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर को बुलाकर स्क्रिप्ट लिखवा रखी है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो लोगों को बांट रही हो। जिन्होंने नारा दिया उनसे भी पूछने की जरूरत है। सभी पार्टी एक जैसी है। बिहार के रहने वालों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि किसे चुने। एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआ है। जुमलों के अलावा क्या किया है ये सबने देखा है। पटना शेल्टर होम में 3 बच्चियों की मौत के सवाल पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार में ये कोई नई बात नहीं है। 2020 से पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। हमारी पार्टी के प्रत्याशी के बेटी की हत्या कर दी गई थी। बिहार में बेटियों की मौत होना, रेप होना और अगवा करना आम बातें हैं। जब कोई कांड होता है तो बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को ढूंढने लगते हैं। ये ढूंढा जाता है कि वो कौन है जिन्होंने माल नहीं पहुंचाया, उसके बाद उस पर सारी जिम्मेदारी दे दी। इस बार 2025 के चुनाव में बिहार के सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर भी दिखाएंगे। साथ ही एक नई सरकार का गठन करेंगे जो हमेशा यहां बिहार वासियों के हित के लिए काम करती नजर आने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।